रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच। राजनीतिक दुनिया की हर पंक्ति पर अपराध पर कसकर चर्चा, किसने किया भ्रष्टाचार और कौन है अपराधी, हर खबर का सच यानी पूरा सच देखना ना जी न्यूज 18 पर, सिर्फ मेरे साथ। आशीर्वाद के कातिलों को कठुआ में 8 साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 17 वर्षीय युवती के साथ गैंग रेप की घटना सामने आने के बाद देश भर में जबरदस्त गुस्सा है। कठुआ में 8 वर्षीय मासूम को कई दिनों तक बंधक बनाकर रखने और गैंग रेप के बाद उसकी हत्या करने का आरोप है। मामले को लेकर पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश है, जिसको लेकर सरकार के खिलाफ हर जगह विरोध जारी है और आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की जा रही है। उसी के तहत अंधेरी नगर सेवक मोहसिन हैदर ने भी हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ कैंडल मार्च निकाला और विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेटियां किसी धर्म और महजब की नहीं है, बेटियां हमारे देश की शान है, इसीलिए रेप के आरोपियों को ऐसी सजा दी जाए और कानून बनाया जाए। आने वाले समय में कोई ऐसी गंदी हरकत हमारी बेटियों के साथ न कर सके, हमें शर्म आती है। आखिरकार सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? देखिए, आज जो माहौल हिंदुस्तान का है, ये ऐसा कभी इससे पहले रहा नहीं। जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, ठीक है, मैं मानता हूँ इससे पहले भी इस तरह की हरकतें हिंदुस्तान में ज़रूर हुई होंगी, लेकिन कातिलों के सपोर्ट में इतने तादाद में पढ़े लिखे वकील जैसे कैटेगरी के लोगों का रास्ते पे उतरना, ये इस डेमोक्रेसी के लिए ख़तरा है। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हम तमाम लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी रहे। जिस तरह अफगानिस्तान वगैरह की हालत हुई, वैसे हम लोग नहीं चाहते कि इस मुल्क में ऐसी हालत हो। लेकिन मैं समझता हूँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग इस मुल्क को जो है, इस मुल्क की हालात अफगानिस्तान जैसा करने की फिराक में है। लेकिन मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा आशा है, उम्मीद है कि इस मुल्क में ज़्यादातर सेकुलर जहन के लोग रहते हैं, और इस मुल्क में जब तक सेकुलर जहन के दिगर लोग जब तक इस मुल्क में है, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को ऐसे तत्वों से, RSS और विश्व हिंदू परिषद जैसे तत्वों से कोई ख़तरा नहीं। वक्ती तौर पर ये लोग जो उन्माद मचा रहे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, ये थोड़ा ही वक्त की बात है, ये ख़त्म हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग जो है डेमोक्रेसी, जमहूरियत, जिसके लिए हमारे बहुत ही पूर्वजनों ने, हमारे बाप दादाओं ने इस ज़मीन पर खून दिया, संघर्ष किया, इस मुल्क की आन बान बना के रखने के लिए जो कुर्बानी दी, मैं समझता हूँ कि उसको बनाए रखेंगे। इस तरह के तत्व जो है, बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि जो सत्ता में जो बैठे लोग हैं, जो मिनिस्टर है, ऐसे किस्म के लोग कातिलों के सहारे आकर, कातिलों के सपोर्ट में आकर जो इस तरह के हंगामा करते हुए शायद दुनिया में, तारीख में किसी ने नहीं देखा होगा। और हम ये कहते हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो, तो कहते हो कि आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो, आप सियासत कर रहे हो। भाई डेमोक्रेसी है, सियासी पार्टियाँ हैं, सियासी पार्टी का फ़र्ज़ बनता है, विरोधी पक्ष का फ़र्ज़ बनता है कि सत्ता पक्ष अगर गलत काम करे उसको बताए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो नशे में चूर है, इनको लगता है कि हम ही हमें, ऐसी सोच वाले इस दुनिया में पहले भी हिटलर और नेपोलियन बोनापार्ट की तरह के लोग गए, और आपको पता हो कि वो कैसे गए, इस दुनिया से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। रेल में पहला जो है ना, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी जिसमें जो है सबका इक्वली हक था। अब मेरे हिसाब से जो है ना, ये राजा वाला राज शुरू हो गया। एक सिंगल आदमी जो है पूरी इंडिया को रूल कर रहा है, और उसकी जो मनमानी वो कर रहा है। अगर उसकी मर्ज़ी चले तो दिन को रात बना दे और वो रात को दिन बना दे, और इसी वजह से जो है ना इतनी सब तकलीफ शुरू हुई है। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ उनका ही राज चलेगा, और जितने मुसलमान हैं उसका इंडिया में हक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है उनको ये समझना चाहिए कि अगर आज इंडिया जो आज़ाद हुई, उसमें बहुत बड़ा खून जो हमारे मुसलमानों का बहा गया है, हम जो है खुल के खड़े थे, इसलिए आज हमारी इंडिया आज़ाद हुई है। तो अगर उनको ये सब भूलने नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भूलने चाहिए। अगर उनको ये लग रहा है कि हम एक दफ़ा जीते तो बार बार जीतेंगे, एक कहावत है ना
के जब घड़ा भर के गिरने लगता है, बहने लगता है, तो ये हालत होती है। तो उनकी जो है जुल्म का इंतहा हो गया है, अब उनका घड़ा जो है भर के गिर रहा है। अब इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता वो दोबारा कभी जीत कर आएंगे। क्या मांग होगी आसिफा के जो हत्यारे हैं उनके लिए, क्या सजा की मांग? फांसी की सजा, बिना डिले किए उनको, वो भी मेरे, अगर मैं चाहती तो खुलेआम पूरे आवाम के बीच में उनको फांसी दूँ ताकि लोगों को नसीहत मिले। वो ये क्यों भूल जाते कि आप जिन बच्चियों के साथ, जिन औरतों के साथ जो आप बार बार ये हरकतें करते हैं, उन्हीं के कोख से वो दुनिया में जन्म लेते हैं। अगर इंसान आदमी ये सोचे ना कि हम इसी किसी औरत के कोख से जन्म लेके आज ये दुनिया देख रहे, तो शायद ये सब हरकत हो ही नहीं। यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज़ हैकिंग पर वीडियो से आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच।